स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि आपके इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर जो नाम है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ नाम में आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या कुछ ओनर चेंज हो गया है, नाम बदलना है फैमिली के दूसरे किसी के नाम से कैसे करना है, इसके बारे में आपको यह वीडियो में आपको अच्छी से जानकारी देने वाला हूँ। इसमें हम जानेंगे कि शुरुआत में हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे चेंज ऑफ नेम का जो ऑप्शन आता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और वो वहाँ से आपको फिर जो एक फॉर्म खुलता है, यू फॉर्म, जो आपको अभी आगे लिखने वाला है, जो यू फॉर्म है उसको आपको भरना है। वहाँ भरने समय आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नाम आप लिखने वाले हैं आपको नाम चाहिए, इस जगह पे काफी ध्यान से आपको स्पेलिंग वगैरह देख के आपको नाम डालना पड़ेगा। वह आपका आधार कार्ड या बैंक पासबुक से मैच होने वाला नाम डालिए तो आपको 16 की सब्सिडी मिल जाएगी, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये बात का ध्यान रखकर आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको वहां पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर कुछ पुराना हो है तो आप नया नंबर रजिस्टर करने की कोशिश की, आपको मैं कुछ वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको आपका नंबर रजिस्टर करना है और साथ में आपको जो किस कारण के वजह से आप नाम अपडेट कर रहे हैं या नाम चेंज कर रहे हो तो आपको रीजन वैल्यू रीजन डालना है, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है तो ओटीपी डाल के आपको सबमिट करना है। तो आपका यह होने के बाद आपको एक नंबर जनरेट होता है, आपको मैं आगे की जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से नंबर जनरेट होता है। उससे आप 142 को भरना है, और साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है जो वहाँ पे लिखे गए हैं आपको अपलोड करना है। वहाँ पे जो ब्लू फॉर्म और एक्स फॉर्म जो है वो आपको अपलोड करना है। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो आपको नाम चेंज करने में जो भी परेशानी आती है तो उसके लिए आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7972515580। तो मैं आपको नाम चेंज करने में उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और साथ में आपको फिर एक बार एप्लीकेशन नंबर डालना है। चेंज ऑफ नेम में आपके एप्लीकेशन नंबर डालना है और कैप्चा कोड डालना है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, वो आपको ओटीपी डालना है। उसके बाद में जो पेज खुलेगा उसमें आपको पार्ट के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। मैं आपको आगे भी आपको देखने वाला है जो पेज खुलेगा उसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जो वहाँ पे बताए गए हैं, और साथ में आपको डिमांड भी करनी है। और जो फिजिकल आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है सबको वहाँ वहाँ के इंजीनियर जो वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनको लेके लिए उसमें आपको आधार कार्ड और टैक्स रिकॉर्डिंग, और साथ में आपको जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है ओनरशिप चेंज के उसके फोटो कॉपी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और साथ में जो भी जिनके नाम से मीटर होने वाला है वहाँ भी एमएससीडी ऑफिस में प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो आपको नाम चेंज करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और यह आप नाम चेंज होने के बाद आपको अगले बिल में जब आपका नया बिल आता है तो उस समय आपका नया नाम जनरेट होके आता है, और यह डिमांड भी आपको 142 जिसकी डिमांड आपको नेट बैंकिंग पे थ्रू या नेट बैंकिंग देना, और उसकी रसीद भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ के क्लियर हो अच्छा लगे। और डिमांड आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका का नाम अपडेट या चेंज होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो साथ में बहुत सारे
क्या क्या चेंज कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफी चेंज करते समय जो भी आपको परेशानी बताएंगे उसको कम करने में आपको यह वीडियो मदद करेगा। अगर कोई भी प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं मूड चेंज करने के लिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7972515। चलो ठीक, मेरा नाम है, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जो भी परेशानी आएंगी उसको सॉल्व करने में आपको मदद करूँगा। और नाम चेंज होने के बाद आप जो भी एप्लीकेशन सबसे लिए करते हैं करते हैं तो साथ में जो भी एप्लीकेशन आप काफी किसी को सुंदर मान लिए भी कर रहे हो तो इस तरह से यह मीटर का नाम चेंज करने की पूरी प्रोसेस है। तो आपको जरूर अच्छा कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। लोगों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।